अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15वां रोज़ा इफ्तारी के बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मैसूर डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मौके पर आगे बढ़कर गुरबा व मसाकिन की मदद करने में या उलमा इकराम का साथ देने में या हर कौम को साथ में लेकर के चलने में लोगों का दर्द जानने में मैं यहाँ तक कि आज के दौर में ये बात बोलने के लिए पीछे हटना नहीं चाहता कि इस दौर में अगर हातिम ताई को देखना है तो डॉक्टर महबूब खान की सूरत में आप लोग देख सकते हैं। जबकि हम लोग पंजतन पाक के गुलाम हैं, उसकी मिसाल देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं आज सकावत का कोई बादशाह है तो डॉक्टर महबूब खान है। आप सिर्फ एक मंजर देख रहे हैं, रमज़ान चांद जैसे नज़र आता है। आप इमामों से लेकर खतीबों से लेकर और अपने घर में काम करने वालों से लेकर इनके फर्जंद और ये तमाम जमा होकर हर तरीके से जो चीज़ की आज ज़रूरत है वो तमाम चीज़ों का साथ देने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़मीन पर बहुत लोग पैदा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों का पैदा होना कौम के लिए बेहतर है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला डॉक्टर महबूब खान साहब को चांद और सूरज की हयाती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला और उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं अपने बच्चों को भी उसी तौर तरीके पर लेकर चल रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब के दिल में एक इंसान का दर्द है, मैं करीब होकर देखता हूं उनके बच्चों में भी वही एक नक्श कदम पाया जाता है। टीपू सुल्तान की मिसाल भी मैं आज देना चाहता हूं। टीपू सुल्तान जब तक रहे तमाम कौम को साथ में लेकर के चले, वो मैं आज टीपू सुल्तान की एक सीरत डॉक्टर महबूब खान के अंदर पाया जाता हुआ देख रहा हूँ। किसी भी मजहब को गिरी हुई निगाह से देखना या किसी भी इंसान को गिरी हुई निगाह से देखना इनकी फितरत में नहीं है। इनका जाहिर और बातिन एक सा है और ये दीन की तालीम के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं की काफी कदर करते हुए नजर आते हैं। बस मैं यही दुआ करता हूं, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। उलमाए किराम को किस तरह मदद करना है, पेशवाओं को किस तरह मदद करना है, कौम के रहनुमाओं को किस तरह मदद करना है, गुरबा व मसाकिन को किस तरह मदद करना है, ये तमाम चीजों का ये तो आप जाहिर देख रहे हैं। बातिनी तौर पर उमरा कराना और बगदाद को भेजना, अजमेर शरीफ को भेजना और गरीब की तमन्ना पूरी करना, इस मामले में हर कदम में डॉक्टर महबूब खान आगे नजर आते हैं। बस मैं यही दुआ करता हूं, 15वां शाबान 15वां रमजान है, हम इफ्तारी करके खड़े हैं, अल्लाह तबारक व ताला कौम मुस्लिम में ऐसे रहनुमाओं को पैदा फरमा, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे जज्बे वालों को पैदा फरमा ताकि हर कौम का भला हो सके, मुसलमानों का भला हो सके। अभी आज ये जो मंजर देख रहे हैं आप, हफ्ते के दिन फिर कियार नगर की सरजमी पर मंजर देख सकते हैं, चाहे वो 11वीं शरीफ हो, चाहे 12वीं शरीफ हो, चाहे साल के 12 महीने, ऐसा नहीं कि 26वीं के बाद ही हम खैर खैरात करेंगे, जकात फर्ज है हम जकात दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। हलाल की अपनी कमाई में जब तक 70% हिस्सा गुरबा में नहीं बांटते तब तक वो अपने घर नहीं पहुंचते, ऐसी अदा मैं आज के दौर में बहुत कम देखता हूं। मैं दिल से यही दुआ करता हूं अल्लाह इनके बच्चों पर इनको सलामत रखे, हमारे ऊपर भी अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारी कौम पर भी अल्लाह इनको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन में हमने पैदा कराया, उसके साथ के साथ हजरत की दुआ, हजरत की शेर दिली हमारे बीच में आज जिंदी मिसाल है कि तो जनाब महबूब खान साहब करके मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो खैरखाई का काम मैं समझता हूँ, यह हमारे फोर्स से आपकी मीडिया की जानिब तक मालूम पड़ा, मैं जैसा मैं आपको इत्तला दिया आओ ऐसा महबूब खान साहब खैरखाई के काम में आप भी मेरा बोलने का मकसद क्या था कि तो उनके साथ और जो अड़ोस पड़ोस के अंदर उनको भी जज्बात पैदा हो या गरीबों का भला हो जाए करके उन्होंने आते ही क्यों आप मालूम कराए मीडिया को करने की एक बात थी। आज क्या है कि तो दुनिया के अंदर मैसेज दो रकम से, अच्छाई में सोचे तो अच्छाई होती है, बुराई में सोचे तो बुरा होता है। हमारी वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 11 के अंदर जब भी मामलात या खैरखाई के या हॉस्पिटल का या अच्छा बुरा, लास्ट टाइम हमारे पुष्पालता जगन्नाथ साहब दो बसाकर को देवल को भेजे, वो मामलात में हिंदू मुसलमान को कोई नहीं, हर हसरत आदमी की रहते दुनिया में सांस रहे तक
जब मर गया तो हमना हमें करे नहीं करने का अफसोस नहीं रहना। अल्लाह उनकी जान माल में बरकत दें दे हमारे सिरों पर, जैसा कि हजरत बताए उनके ख़ानदान को हमारे सिरों पर सलामत रखे। दिल की गहराई से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, दौलत सबको देता है, दिल सबको देता नहीं। उसने शायर बोलता, परिंदों को मंजिल मिलेगी पहले हुए उनके पर कहते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं जिसके ज़माने में हुनर होते हैं। मैं दिल की गहराई से ये आए हुए तमाम गौर गरीब की अंतरी की दुआ तो आपको लगचे, हमारी तो ऐसी दुआ है एक ना एक दिन हमें भी एक दिन मर को अल्लाह को चेहरा दिखाना है। हर खैर खाई के काम में हमारे एक बाप के जैसा आपको एक इज्जत एक मोहब्बत देखो, ये हमारे बड़े भाई तुम्हें हमें वो मोहब्बत से तुम्हारे पास आपको किसका भी तकाजा रखे तो तुम्हें दो लाजे भी लेट नहीं करे, चलो खान क्या कर्जा लेंगे को वो गरीबा का भला में तुम्हारा साथ हमेशा है। मैं समझता हूँ अल्लाह किसी को भी उसका बदला दिए नहीं सो मौत देता नहीं, साथ साथ पीढ़ी को अल्लाह तुम्हारे खुशहाल रखता है। ये हमारी एक नाचिस की दुआ में बोलते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, फिर पंजतन पाक क्यार नगर के शहीनशाह हजरत सैयद जलाल शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह का आशिक हूँ मैं। आज जो भी रमज़ान के महीने में, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो भी गौर गरीब को सखावत सखी करना, गौर गरीब को पहचान को जो सखी करने का है, आज मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरे माँ बाप के तरफ से मैं सिखा हूँ और मेरे उस्ताद, मेरे बाप और ये पूरे मेरे दोस्ता ही, इसमें मजहब करने की चीज़ नहीं आती। 20 साल से इन्हों मेरे पूरे दोस्ता, इसका नाम पुनीत, उसका नाम अमित, उसका नाम राकेश, पूरे हिंदू मुसलमान पूरे भाई हमें मिलको छीन सौ, उनके घर में ईदें थमी जाती, हमारे घर में ईदें तो ना आती कभी। भाई इस मुकद्दस महीने में क्या कहना चाहता हूँ उनको बोले तो, तुम्हारे हाथ से जितना हो सकता है इतना चौतच कर को नहीं, सखी बनो, सखावत करो। आज के दौर में गौर गरीब को पहचान को, सखी सखावत करो। कहो तो इसमें मज़हब नहीं आता कोई भी चीज़ में। एक रमज़ानुल मुबारक मुकद्दस महीना है, इसमें क्या है करके बोले तो, जितना हमें सखावत करती वल्ला अल्लाह ताला को बहुत पसंद। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको भी तहे दिल से रमज़ान मुबारक हो।